क्या हाल है दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में लाया हूँ बुलेट लवर्स के लिए। तो जब मेरे पीछे खड़ी है यह है बुलेट 500 सीसी, फुली मॉडिफाइड है। जब बुलेट के मॉडिफिकेशन की बात आती है तो भाई आप आगे से लेकर पीछे तक उसे कितने मॉडिफाई कर सकते हो, कितने पैसे लगा सकते हो उसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बुलेट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखा है और उसमें कितना पैसे लगे, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो आफ्टर मार्केट है या कंपनी का है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं वीडियो ही शुरू करता हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके साइलेंसर की। इसमें स्टॉक साइलेंसर हटवा के डॉल्फिन साइलेंसर लगा रखा है, बेहतरीन आवाज़ है इसकी बहुत। अभी सुनाता हूँ। यह है भाई इसकी आवाज़, अभी रेस नहीं दे रखी, रेस देके ऐसी आ रही है। तो ये साइलेंसर भाई पड़ा था 2500 रुपये का। ये इसे काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया अभी, तो उस टाइम पे थोड़े इसके रेट हाई थे, अब फिलहाल आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। बाकी जो इसके रेट थे वो 2500 रुपये थे। एक राउंड लगा के सुना दिया भाई इसके साइलेंसर की आवाज़। जा भाई, तो ये है भाई इसके साइलेंसर की आवाज़ दूर से। कैसी आवाज़ आ रही है कमेंट करके बताना। बस तो अगले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं भाई इसके एलॉय व्हील्स की। इसमें हमने स्पोक्स व्हील हटवा के एलॉय व्हील्स लगवा रखे हैं, अगले वाले टायर में भी और पीछे वाले टायर में भी। ये बहुत क्लासी लुक दे रहे हैं बाइक को। तो जो इसकी टोटल कॉस्ट थी दोनों पेयर की वो अराउंड 8000 रुपये के एलॉय व्हील पड़े थे दोनों। ये बेहतरीन लुक दे रहे हैं बाइक को, दूर से थोड़ा ऐसे लग रहा है। तीसरा आता है भाई इसके लेग गार्ड पे, ये इसमें लेग गार्ड है। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड थी 4500 रुपये। ये कंपनी के थ्रू हमने शोरूम से ही लिया था, लेकिन रॉयल एनफील्ड का नहीं है, ये कंपनी के थ्रू लिया था जैसे शोरूम से। बाकी ये जो है काफ़ी हैवी है और सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, और ओवरऑल लुक भी बाइक को बहुत अच्छा दे रहा है ये। इसके अलावा इस पर हमने जो है रोपिंग कर रखी है ब्लैक कलर की, ये दिख रही होगी वीडियो में आपको। तो ये सारे पे इस पर रोपिंग कर रखी है दोनों साइड, और फ्रंट से जो है ये ऐसा लुक दे रहा है। इसके अलावा भाई इसके साइलेंसर पे जो बैंड पाइप है इस पर एक तरह की टेपिंग हो रखी है, ये ओवरहीटिंग को रोकने के लिए है। जो भाई बुलेट चलाता है उसे पता ही है कि ओवरहीट कितनी करती है, तो 10 किलोमीटर चलने पे भी बिल्कुल इंजन आग फेंकता है। ऊपर से ये 500 सीसी है, तो इसमें जो है डर रहता था कि कभी पैर ऊर पर टच ना हो जाए और पैर ना जल जाए, उसके लिए जो है हमने ये टेपिंग करा रखी है इसके बैंड पाइप पर। इसका मेन जो है रीज़न, मेन फ़ायदा इसका यही है कि अगर ओवरहीट हो जाती है तो इस पर आपका अगर पैर भी टच हो जाए तो उससे आपका कोई पैर और जलेगा नहीं, ये सारी हीट एब्जॉर्ब भी कर लेता है एक तरह से। इसके अलावा जो इसकी कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट, एक इसकी बैंड पाइप पे जो टेपिंग हो रखी है और दूसरी जो लेग गार्ड पे हमने ये रोप लगा रखी है, इन दोनों की कॉस्ट अराउंड 600 रुपये है। अगला मॉडिफिकेशन है भाई इसका हेडलाइट कवर्स, और जो ये फ्रंट की हेडलाइट है इसमें जो है पहले स्टील कलर का था, अब ये ब्लैक कलर की हेड टाइप बनाई है आगे, और इस पर ब्लैक टेपिंग हो रखी है। इसके अलावा जो इसके इंडिकेटर है इस पर कवर चढ़े हुए हैं आगे ये साइड वाले में, और पीछे जो है पीछे दोनों इंडिकेटर पे और इस लाइट पे ये कवर चढ़े हुए हैं। तो इनकी टोटल कॉस्ट जो है वो है अराउंड 350 रुपये। ये आगे का फ्रंट जो हेडलाइट कवर है ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है बाइक को। अगला जो मेजर मॉडिफिकेशन है वो है भाई इसकी लाइट का। तो नॉर्मल लाइट हटवा के इसमें प्रोजेक्टर लाइट लगवा रखी है जो जल के काफ़ी अच्छी लाइट देती है, वाइट कलर की है। जला के दिखा भाई, ये अभी सारी जली हुई है और ये सेंटर की जली हुई है, तो रात को बहुत अच्छी लाइट देती है, वाइट कलर की है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप कोहरे में चला रहे हो सर्दियों में तो भी काफ़ी अच्छी दूर तक व्यू देगी आपको, ये क्लियर व्यू। इसकी जो कॉस्ट थी वो थी पूरे प्रोजेक्टर लाइट की कॉस्ट थी वो थी अराउंड 1800 रुपये। अब फाइनली भाई बात करते हैं इस पर लगे हुए स्टिकर्स और टेपिंग की। तो राइट साइड में जो है ये एक बहुत अच्छा स्टिकर लगा हुआ है रेस्पेक्ट द बियर्ड करके, और इसके जो लेफ्ट साइड में है वो रॉयल एनफील्ड का लगा हुआ है लिव फ्री राइड हार्ड। बाकी इसके टैंक पे जो है वो टेपिंग हो रखी है,
और इस पे जो है एक लद्दाख का मैप बना हुआ है। तो लद्दाख जाने के लिए बनाया था स्पेशली है। ये दिल्ली से स्टार्ट हो के आगे जाकर का ले और खारदून लेक तक। तो पूरी जो इसकी स्टिकर्स और इसके टेपिंग की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 1000 रुपये के करीब। और साइड में भाई इसके एक मैप के साइड में एक इसका कंपास भी बना हुआ है। तो ये रिमूवेबल, ऐसे रिमूव कर सकते हैं हम आराम से। तो ये थी भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट की मॉडिफिकेशन। इसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी है वो है अराउंड 18,500 रुपये से 20,000 के बीच में। आप ये मॉडिफिकेशन कोई सी बाइक में कर सकते हो, अपनी 350 क्लासिक स्टैंडर्ड किसी में भी कर सकते हो। बाकी बताना भाई आपको मॉडिफिकेशन कैसी लगी इस बाइक की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब मार के थोड़ा सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं भाई किसी नए वीडियो में। बाय। ये देखो भाई हमें क्या मिला बकचोदी का बकचोदी करने के लिए। ये पाइप लाइन दबी हुई है अंदर, पाइप लाइन नहीं है वैसी, खाली है, आवाज़ आएगी बेहतरीन। ये तो विस्फोट सा हुआ।